नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंब में कर्मचारियों के समय पर ना पहुंचने पर बलैतर पंचायत के सरपंच सूर्य प्रकाश वर्मा ने अस्पताल को लगाए ताले। आपको बता दें, सुंब में बनाए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आए दिन खबरें सामने आती थी कि यहां पर डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं सरपंच सूर्य प्रकाश वर्मा, हल्का पंचायत बलेतर, और मेरी पंचायत बलेतर के अंदर ही ये सुंब में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पड़ता है। आज सुबह हमारी पंचायत के पंच मोहम्मद शरीफ को ब्रेन हेमरेज बीपी का अटैक हुआ, तो 9:41 में मैं उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल में आया। तो मैंने ही उनको, वो जा रहे थे सीधे सांबा को, मैंने बोला नहीं, पहले जहाँ फर्स्ट एड ले लो, फिर उसके बाद जाओ। उनको अंदर लेके बेड पर लिटा दिया, पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटा, जहाँ कोई एक बच्चा तक नहीं था फोर्थ क्लास। डॉक्टर तो छोड़ो, डॉक्टर की ड्यूटी नहीं, जहाँ नर्सिंग की ड्यूटी रहती है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में नहीं था। आप क्यों होंगे ना, कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद हमने 108 जो एम्बुलेंस है उसको फोन किया और उसमें पेशेंट को रेफर किया। आधा पौना घंटा जहाँ मैं हॉस्पिटल के आंगन में, इस प्रांगण में खड़ा रहा, कोई बचा नहीं था। उसके बाद मैंने ताला लगाया इसको, हॉस्पिटल को ताला लगाया, गेट पे ताला लगाया। गेट पे ताला लगाने के बाद एक लोकल बच्ची हमारी बटन की, जहाँ वो शायद कंजक्शन काम करिए, वो आई और बड़े दुख की बात है। हमारा जहाँ एक पेशेंट नहीं, कई पेशेंटों के साथ ऐसा होता है। हमारी ये LG प्रशासन से, हमारे DC साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये पर्सनल गुहार है। हमारा ये फार फ्लांग एरिया है, यहाँ 8 पंचायतों का ये सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यहाँ हमारे को नाइट ड्यूटी पे भी डॉक्टर चाहिए। यहाँ जितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सरपंच हमारे पंच को अटैक हुआ, अब ये हॉस्पिटल गया जहाँ बच्चा नहीं था अंदर, इसलिए लाग रहा है, कोई अंदर नहीं जाए। आ रहा तो कोई नहीं जाएगा अंदर ना, बंद कर दिया ना, नहीं जरूरत किसी।